धोखाधड़ी के आरोपी चिंटू वधवा को गिरफ्तार कर भेजा जेल। 15 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप। प्रॉपर्टी बाजार में निवेश का झांसा देकर करीब 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले आरोपी राजेंद्र वधवा और चिंटू वधवा को पुलिस ने वर्ष 2018 में उसके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया। चिंटू वधवा इन दिनों मुंबई में कपड़े का कारोबार कर रहा है। सदर थाना पुलिस के SI संदीप हीचर ने बताया है कि आरोपी राजेंद्र उर्फ चिंटू ने एच ब्लॉक स्थित एक्सिस बैंक से वर्ष 2012 में लाखों रुपए का फ्रॉड किया था। नवभारत समाचार श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। जी, ये चिंटू वधवा यहाँ थाने की फाइल है 276/18, उसमें पहले स्टे था, अभी 2-1 महीने पहले स्टे हट गया था और इसके पीछे काफ़ी कई मुकदमे, इसके पीछे 20-22, और अभी हम इसकी लोकेशन ली तो मुंबई के आसपास इसकी लोकेशन आई थी। मुंबई से ये बठिंडा होकर निकल गए और वापस यहाँ अपने कोई काम के सिलसिले में आया हुआ था। बठिंडा से ये जयपुर फ्लाइट पकड़ने वाला था मुंबई के लिए, तो वहाँ से इसको 2 दिन पहले रिटर्न करके लेके आए हैं। तो काफ़ी मुकदमे हैं यहाँ, काफ़ी जब से इसको लाए हैं आने के बाद भी कम से कम 30-40 लोग आ गए कि साहब हम लोगों के पैसे हैं, हम इसकी वजह से एकदम इसको अपनी ज़िंदगी की कमाई इसको दे दी है। बड़ा ठग है जिले का, पहले भी कई मुकदमे हुए हुए हैं, काफ़ी टाइम जेल में निकाल के आए हैं, अभी लेके आए हैं। 2 दिन के PC पे था, अभी जैसे इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान से जो चीज़ें होंगी वो फाइल में। विदेश भागने की फिराक में था कोई? हाँ, निकल सकता है, इसके इतने मुकदमे थे तो होगा ही कोशिश में कि यहाँ से मैं चला जाऊँ तो कभी वापस आना नहीं हो, लेकिन उससे पहले ही हमने इसको अपनी लोकेशन से उन चीज़ों से